नमस्कार, मैं अमितोष कुमार आज आपके समक्ष आपके फरमाइश का पाठ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जो कि NCERT कक्षा 8 के पाठ्यपुस्तक का के इतिहास विषय का दूसरा पाठ है को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसे फरमाइश किया था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटना के छात्र सिद्धार्थ, प्रियांशु, ज्योति, ऋचा और दिव्या ने। दोस्तों, इसी प्रकार हमें अपनी पसंद बताते रहिए जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, एवं इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ पाने के लिए आप अपने चहेते चैनल यानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लीजिए अपनी पसंद का ये पाठ। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लेम टू पारामाउंसी, यानी कि सर्वोच्चता का दावा। पारामाउंसी, अंग्रेज हमेशा अपने सर्वोच्चता का दावा करते थे। अंग्रेजों का मानना था कि हम अच्छे क्वालिटी के हैं, हमारी शासन व्यवस्था अच्छी है और हम किसी भी प्रिंसली स्टेट्स या किसी भी राजा राजवाड़ाओं के राज्य से अच्छे क्वालिटी के शासन चलाते हैं, हमारे लोग अच्छे हैं। तो उपरोक्त जो आप विवरण अभी देखे हैं, जो आप ऊपर पढ़े हैं, उससे पता चलता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, इट मीन्स गवर्नर जनरल फ्रॉम हु बिकेम 1813 to 1823, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग हैं, उन्होंने 1813 से 1823 ईस्वी तक राज किया है। एक नया पारामाउंसी यानी सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। और नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड टू एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। तो आपने देखा कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चला रहा था, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग है 1813 से 23 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे हैं, उन्होंने सर्वोच्चता की एक नई नीति लाई और इस नीति की शुरुआत की। कंपनी का दावा था, उनका कहना था, यानी कंपनी के गवर्नर जनरल्स का कहना था कि उनकी सर्वोच्चता ही सबसे बड़ी है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हित की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने तथा उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है या रखती है, और यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देने लगती है। तो ये पारामाउंसी की नीति उनकी है जो बताती थी कि अंग्रेज़ हमारे इंडियन स्टेट से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के थे। लेकिन दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट्स ऑफ किट्टूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डेड इन प्रिजन इन 1829, बट रायना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, कैरीड ऑन द रेसिस्टेंस दिस पॉपुलर सपोर्ट। ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। ही वॉज caught and hanged by the British in 1830. This you will read more about the several cases of resistance later in the book. तो आपने देखा कि ये जो पारामाउंसी दिखाने की जो प्रथा चली थी, यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे देश के रेसिस्टेंट लोग हुए, रेसिस्टेंट मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी हुए या फिर अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे। जैसा कि जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो कि अभी कित्तूर जो कर्नाटक का एक छोटा सा राज्य है, को कब्जे में होने का प्रयास किया या फिर कब्जे में करने का प्रयास किया, तो वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी उसने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो 1824 में जो उन्हें फाइनली तो गिरफ़्तार कर ही लिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा, और 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार करके 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित जो संगोली है, उसमें उसके करीब संगोली के आसपास में चौकीदार रायन्ना ने भी एक प्रतिरोध कर दिया था, विरोध कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। तो आखिरकार अंग्रेज़ों को भी ये लगने लगा था कि यहाँ के राजा या छोटे छोटे राज्य के जो रजवाड़े हैं, राजाओं का लोग यहाँ पॉपुलर सपोर्ट लोग कर रहे हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, और अंग्रेज़ों को
आखिरकार उन्होंने ही अंग्रेज़ों ने पकड़कर, तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा घटना है, जैसे कि जो चौकीदार रायन्ना था उनको फाइनली 1830 में फांसी पर लटका दिया जाता है, अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया था। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण इस किताब में या फिर अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे पढ़ने को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। इट इमेजिनेटेड दैट रसिया माइट एक्सपेंड एक्सेस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्राइवन बाई दिस फियर। तो रूस से क्या खतरा था अंग्रेज़ों को, आपने या फिर आप अगले 9th क्लास में पढ़ेंगे रशियन रिवोल्यूशन में, कि वहाँ पे मार्क्सिज्म और समाजवाद की विचारधारा हुई और लोग सोसाइटी वेस्ट और कम्युनिटी वेस्ट समाज का निर्माण करना चाह रहे थे, कैपिटलिस्ट का विरोध करना चाह रहे थे। तो और आप जानते हैं कि ब्रिटेन पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं समाजवाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन, समाजवाद और कैपिटलिस्ट, ये दो अलग अलग विचारधारा थे। कैपिटलिस्ट फॉलो करता था ब्रिटेन और समाजवाद यानी समाजों को उनके हक देने का काम करता था रूस। तो दोनों का विरोधी भावना के चलते रूस को ये खतरा था। ब्रिटेन ऐसा सोचता था कि रूस का एक्सपेंशन कहीं एशिया के साउथ एशिया या ईस्ट इंडिया की तरफ ना हो जाए, तो रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था। तो उसके संबंध में लिखा हुआ है कि जो 1830 ईस्वी है, कि इसके दशक में 1820 से 30 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर गई और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से जो भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। तो इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए उसने 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी के बीच जो अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ा 1838 से 1842 ईस्वी तक, और वहाँ अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कंपनी ने करना चाहा या फिर कर ही लिया 1838 से 1842 तक ये रेसिस्ट करते हुए। 1843 में संधि किया, 1843 में उसने सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया, 1843 में सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और इसके बाद पंजाब की बारी थी। वहाँ पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी, तो महाराजा रणजीत सिंह 1839 में जो उनकी मृत्यु हो गई, इसके साथ ही लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में होती है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, एंड 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब को फाइनली अपने कब्जे में कर लिया गया, ये भी आप ध्यान रखिए। अफगानिस्तान 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी में एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कब्जा में अफगानिस्तान पर इनडायरेक्ट रूल किया है, 1843 में सिंध को अपने कब्जे में किया। तो ये डेट्स याद रखने की चीज़ है। अब जो अधिग्रहण की जो नीति है उस पर आइए, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको मालूम है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इम्पोज करना चाह रहा था अंग्रेज़, कि कोई भी ब्रिटिश रियासत को यदि मेल हेयर नहीं है तो वो फाइनली ब्रिटिश कब्जे में हो जाएगा। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapses. The doctrine declared that if an Indian ruler did without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. It means the first state that was annexed by the British through using doctrine of lapse was Satara. Satara was annexed in the year 1848.
then Sambalpur in 1850, then Udaipur 1852, Nagpur 1853 and Jhansi 1854. Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो आखिरकार आपने देखा कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने 1848 ईस्वी में कार्यभार संभाला था, 1856 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा है, तो 1848 से 1856 के बीच डलहौजी साहब जो आए हैं उन्होंने एक डलहौजी की नीति लाई और अपनी ये लैप्स की नीति यानी विलय की नीति लाई, और उस नीति के तहत कहा गया कि एक तर्क दिया गया, तर्क इस तरह का था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है, कोई मेल हेयर नहीं होता है, कोई पुरुष वारिस नहीं होता उस राज्य का, तो उसकी विरासत यानी रियासत हड़प ली जाएगी और कंपनी में अपने आप वो विलय हो जाएगा, कंपनी का वो हिस्सा बन जाएगा वो राज्य। तो ये विलय की नीति थी और डलहौजी द्वारा लाया गया, और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, और इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कर्तव्य से बंधे हुए ढंग से उन्होंने ऐसा काम किया है, यानी उनका कहना था कि अवध में अच्छे ढंग से शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि इस अवध को अपने कब्जे में ले लूँ। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, यानी लोगों ने अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटता हुआ देखा, तो इसे देखकर लोगों में गुस्सा भर गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो इमेजिन दैट इफ़ यू आर अ नवाब्स नेफ्यू, आप अगर सोचिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर आपको आप नवाब के भतीजे हैं तो आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे, और आपको पता चलता है कि विलय की नीति आई और अंग्रेज़ आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? रेसिस्ट करेंगे, सिंपल यही होगा, अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ देंगे। तो ये आपका एरिया है जो इसमें दिखाया जा रहा है, एरिया अंडर ब्रिटिश रूल, ये पीला पीला जगह जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर 11A में, उसमें देखिए कि कैसे जो एरिया है वो ब्रिटिश रूल में था और अब धीरे धीरे वो सारा पीला एरिया, येलो कलर का एरिया अब धीरे धीरे ब्रिटिश रूल में आ रहा है सेकंड 11B में। तो ये एक्सपेंशन किस ढंग से हो रहा है अंग्रेज़ों का, उसको दिखाया गया है, ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ आपके देश में, कि धीरे धीरे 50 साल 1800 आने के बाद, 1600 में अंग्रेज़ों का आने के बाद, धीरे धीरे उसने 1857 ईस्वी तक पूरे के पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। फिगर 11A B C एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, लुक एट दीज मैप्स अलॉन्ग विद द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इन ईच ऑफ दीज मैप्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वे आर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। तो आपको पता करना है कि कौन कौन सा नक्शे के साथ आप बताइए कि इन इलाकों की पहचान कीजिए जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे, आज के राज्य। सेटिंग अप ए न्यू